तो फिलहाल हम आ गए हैं इंडिया के बिल्कुल आखिरी कोने में, और ये इसके बाद पड़ता है श्रीलंका, और उधर रामेश्वरम, और ये देखो यहाँ बनाया था राम जी ने, बिल्कुल सामने देख रहे हो, ये राम जी ने बनाया था पुल, वो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, वो राम जी का बनाया हुआ पुल है, वो देखो वो जरा सा दिख रहा है, बिल्कुल राम जी पूरा, मतलब कि एक तरफ जो है समुंदर बहुत तेज है, देख रहे हो आप उसमें लहरें, देखो बहुत तेज है, और दूसरी तरफ आपको बिल्कुल शांत दिखेगा। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख सकते हो मैं कहाँ चल रहा हूँ। पहले तो भाई मैं आपको पहले एक बात बता दूँ, गुड मॉर्निंग है तो मैं चाय के साथ शुरू करूँगा, और अभी मैं जा रहा हूँ आपको ऐसा व्यू दिखाने कि आप देखते बोलोगे, वैसे तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ धनुषकोटी। आप ये पूछोगे कि धनुषकोटी पड़ता कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूँ इंडिया के मैप में आप जरा देखोगे ना धनुषकोटी एक बार डाल के, तो भाई साहब आखिरी रोड है, बिल्कुल आखिरी रोड है, मैं आपको बताऊं। तो आज मैं आपको धनुषकोटी लेके जाऊंगा, धनुषकोटी पड़ता है रामेश्वरम में, आप आओगे बार, रामेश्वरम का नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसे तिरुपति बालाजी हैं तो वैसे ही रामेश्वरम जी एक भगवान है हमारे, तो वहाँ पे आप आओगे धनुषकोटी के लिए, हमें पूछ लेना, वहाँ से 200-300 रुपये लेते हैं, 200 रुपये ज़्यादातर लेंगे, तो आपको धनुषकोटी लेके जाएंगे। और धनुषकोटी के पास आप देख रहे हो ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे मछुआरों के घर हैं, सारे मछुआरों के घर है, ये मछली पकड़ते हैं उसमें से। आपको पहले बता दूँ, ये तो मेरे पास कैमरा है, तो गाइस मैं आपको पहले बता दूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये है यहाँ का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस रामेश्वरम का, ये देख रहे हो आप झुग्गी डाल के बना रखा है इन्होंने पोस्ट ऑफिस, ये आप देख सकते हो ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वीडियो का कंटेंट जो है बहुत बढ़िया आने वाला है, ये हमारा पोस्ट ऑफिस ही। धनुषकोटी वहाँ का व्यूज दिखाते हैं और ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट आपको मिलते हैं धनुषकोटी। मैंने अभी पता करा है कि ये वाला जो समुंदर है ना, ये समुंदर जो है राम जी वाला है, मतलब उन्होंने जो वो बाण चढ़ाया था ना समुंदर को शांत करने के लिए, यहाँ पर पूजा करते समय मतलब परेशान मतलब करता था, तो ये वाला समुंदर है, ठीक है। और भाई ये वाला जो समुंदर है मैं आपको बता दूँ, ये वाला समुद्र श्रीलंका का, तो ये समुद्र है श्रीलंका का। और देखो एक चीज और नोटिस करना आप, इसकी में कोई लहरें नहीं है, कोई भी दूर दूर तक लहरें नहीं है, क्योंकि इसको शांत करा था भगवान ने, है ना। और इसके में आप देखोगे लहरें लहरें हो तेज तेज, देख रहे हो कितनी लहरें आ रही है तेज तेज, तो इन दोनों समुद्र में ये फर्क है। तो फिलहाल मैं आगे तक पहुंचने वाला हूँ, 10 मिनट मुझे और लगेंगे, मैं पैदल चल रहा हूँ, और फिलहाल अभी मैं पूरा वाइड एंगल शूट कर रहा हूँ अपने गोप्रो से, और मैन कैमरे से मैं अभी शूट नहीं कर रहा, अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तब डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं वहाँ पर। और उससे पहले मैंने एक वीडियो और डाली है जिसमें यहाँ पर 5 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर सूरज पूरा आया था, तो फिलहाल ज़्यादा बातें करेंगे, डायरेक्ट आपको वहीं पर लेके चलेंगे इंडिया के आखिरी रोड पर। और अभी भी मेरे पास मैसेज आया था कि आप श्रीलंका के अंदर आ चुके हो, आपकी जो सर्विस वगैरह है वो श्रीलंका के अंदर चल रही है, तो फिलहाल वो सब छोड़ो, डायरेक्ट आपको आगे लेके चलते हैं ऑन द स्पॉट। तो फिलहाल हम आ गए हैं बिल्कुल एंड में धनुषकोडी, आप देख सकते हो, और ये देख रहे हो ये जो मैंने आपको बताया था श्रीलंका का समुंदर और उधर का राम जी वाला जो मैं आपको बताया था अभी, तो वो देख रहे हो ये जो है यहीं पर, अभी मैं आपको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ साइड में, तो ये देख रहे हो यहीं पे बिल्कुल शांत हो रहा है, देख रहे हो ये देखो ये पूरा समुंदर एक हो रहा, वो दो थे अब एक हो गया, ये देखो देख सकते हो आप पूरा एक हो गया। तो फिलहाल आप देख सकते हो ये है तमिल तेरुमा
अगर आप तमिल जानते हो तो फिर आप इनसे बात कर सकते हो। और बाकी इधर श्रीलंका ये पूरे मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के, देख सकते हो। और इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, अपने अपने नाम लिखे हुए हैं। ए भाई यू कर दो। तो फिलहाल मैं आपको एक बात और बता दूं छोटी सी, अगर आपको धनुषकोटि आना हो तो आप क्या नाम है इंडिया में रामेश्वरम सर्च मारना, तो रामेश्वरम आप आना, रामेश्वरम में आप दर्शन करना पहले, उसके बाद वहाँ से 200 रुपये लेगा टैक्सी वाला, उसको बोलना मुझे धनुषकोटि जाना है। तो जब आप आओगे यहाँ पे धनुषकोटि और आप देख सकते हो ये सफ़ेद सफ़ेद अगर वो नज़र आ रहा होगा वहाँ की तरफ, तो वो जो है राम जी ने बनाया था पुल, आपको दिख रहा होगा राम जी का बनाया हुआ पुल है वो, और जो धीरे धीरे छोटा छोटा अंदर ही अंदर जा रहा है थोड़ा थोड़ा। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे समुद्र कितनी तेज है, ये देख रहे हो ये श्रीलंका का है और वहाँ पे कुछ लहरें नहीं हैं, मतलब कि एक तरफ जो है समुंदर बहुत तेज है, देख रहे हो आप उसमें लहरें देखो बहुत तेज है, और दूसरी तरफ आपको बिल्कुल शांत दिखेगा क्योंकि राम जी ने तीर निकाला था समुंदर को शांत करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो इसलिए वो आज भी शांत है। और श्रीलंका का देखो कितनी ज़बरदस्त चल रहा है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप गूगल मैप पे ज़रूर देखो एक बार इंडिया में धनुषकोटि कहाँ पर है, तो आप खुद हिल जाओगे कि भैया कहाँ से कहाँ पर आ गया बंदा। तो भाई मैं आपको यही बोलूँगा ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि अभी मुझे जाना है गोवा, तो इसलिए देखो अभी मुझे जाना है गोवा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इन्जॉयमेंट करते रहो। मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि पिछली बार मैं गया था तो मुझे सही से कैमरा वगैरह चलाने भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं आपको बता दूं। तो अभी क्या नाम है हमें धनुषकोटि में, धनुषकोटि इसलिए बढ़िया रहेगा। आप मैं आपसे यही पूछूंगा अगर आप वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, एक बार कमेंट मार के ज़रूर बताओ आपकी फेवरेट ट्रेन कौन सी, आपकी फेवरेट जगह कौन सी, जहाँ पर आप नहीं जा सकते वहाँ पर हम जाएंगे। तो ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नई जर्नी आपके लिए, नई शुरुआत के लिए। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय।